नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों के लिए आज की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यानी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा कौन सी अपडेट है और कौन सी यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी मिलने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी ये दे दूँ कि भारत की लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में अंतिम वर्ष के जो रिजल्ट है वो जारी किए जा चुके हैं, जो बाकी वो जल्द जारी कर दिए जाएंगे। अब धीरे धीरे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले भी रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि प्रमोट वाले छात्रों का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए और वहाँ पर नोटिस देख लीजिए कहीं रिजल्ट तो नहीं आ गया। रिजल्ट आ गया तो आप आसानी से देख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट का माहौल चल रहा है, यानी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं सभी यूनिवर्सिटियों में, चाहे बी ए बी एस सी बी कॉम के छात्र हों, चाहे एम ए एम एस सी एम कॉम के छात्र हों। तो ये जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब बढ़ते जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बता दूँ कि ये अपडेट एक और है। लिखा है कि बी एच यू एंट्रेंस एग्जाम बी एच यू की प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में 28 सितंबर से होंगी। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है बी एच यू यूनिवर्सिटी की ओर से। इन्होंने कहा है कि जो बी एच यू की प्रवेश परीक्षाएं हैं, ठीक है, वो हम 28 सितंबर से कंडक्ट कराएंगे, वो भी 3 पालियों में। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में हम आपको समझा दें, लिखा है बी एच यू में नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षाओं की मंगलवार को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा कर दी कि 28 सितंबर से प्रवेश परीक्षा शुरू होकर 4 पालियों यानी कि कितने पालियों में चलेंगी, यहाँ पर लिखा था साफ 3 पालियों में चलेंगी, ठीक है, आप सभी की परीक्षाएं। और लिखा है कि देश भर में इसके लिए 185 सेंटर बनाए जाएंगे। इस पर यूजी यानी कि बीबीएससी बीकॉम और एमएससी एमकॉम के 9 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं ओमआर सीट पर कराई जाएंगी। ये ध्यान में रखिएगा, ओमआर सीट पर परीक्षाएं होंगी। एनटीए की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार परीक्षाएं 3 पाली में आयोजित होंगी, यूजी में 23 और पीजी में कुल 94 परीक्षाएं होंगी। ठीक है, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप इससे समृद्ध कॉलेज के छात्र हैं। तो दूसरी बड़ी अपडेट जो मैं आपको बता दूं आपके लिए कि देखो, आप सभी को मालूम है कि इस समय रिजल्ट का माहौल चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटी रिजल्ट रिलीज कर रही हैं। वहीं पर जब रिजल्ट रिलीज होता है तो यानी घोषित होता है तो बहुत सारे छात्र उसके लिए नाखुश होते हैं, यानी कि वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो एक बड़ी खबर आ रही है जौनपुर यूनिवर्सिटी की ओर से, यानी कि जौनपुर जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उससे समृद्ध कॉलेज के छात्रों ने बोला, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन तमाम छात्र फेल हो गए। आरोप है कि पास छात्रों को भी फेल कर दिया गया है, छात्र मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में छात्रों ने नारेबाजी की। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएससी और कृषि एमएससी कृषि व स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, 25% से अधिक छात्र फेल हो गए हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सम्राट जौनपुर आजमगढ़ गाजीपुर और मऊ में करीब 700 से अधिक महाविद्यालय का परिणाम गलत तरीके से घोषित कर दिया गया है। जो बी ए बी एस सी बी कॉम के जो छात्र थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या समृद्ध कॉलेज में, उसमें बहुत सारे छात्र फेल हुए हैं, तो उनका आरोप यही लगाया जा रहा है कि हमारे जो नंबर हैं वो गलत तरीके से चढ़ाए गए और हमें फेल कर दिया गया है, इसकी दोबारा से जांच पड़ताल हो सकता है अन्य यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो। तो आप लोग जल्द से जल्द उसके लिए अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कॉन्टेक्ट करिए और उसके लिए आप लोग अपने छात्र नेता से बात करके आप लोग हड़ताल करिए, जिससे आप लोगों की जो नंबर हैं वो बढ़ाए जा सके, यानी कि जो फेल छात्र उन्हें पुनः उनके अच्छे अंक देकर उन्हें पास कर दिया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से आप सभी को मालूम है कि कोई छात्र तैयारी नहीं कर पाया है प्रॉपरली। ठीक है, इसी तरह की अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई सुझाव कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।